नमस्कार, प्रवाह साक्षी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंकित सिंह। वक्त संसद डायरी का है। विदेश में राहुल गांधी द्वारा दिए गए बयान को लेकर आज संसद के दोनों सदनों में जबरदस्त हंगामा हुआ। भाजपा राहुल गांधी से लगातार माफी की मांग करती रही है। आपको बता दें कि बजट सत्र का दूसरा चरण सोमवार को शुरू हुआ था। जैसे ही दोनों सदनों की कार्यवाही शुरू हुई, वैसे ही राहुल गांधी के बयान को लेकर हंगामा देखने को मिला, जिसके बाद सदन की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया था। कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा ब्रिटेन में की गई टिप्पणी, अडानी समूह से जुड़े मामले पर JPC गठित करने की मांग और कुछ अन्य विषयों को लेकर लोकसभा में हंगामा होने के कारण सोमवार को सदन की कार्यवाही एक बार के स्थगन के बाद करीब दोपहर 2:10 पर दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। वहीं लोकतंत्र के संबंध में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की टिप्पणियों को लेकर राज्यसभा में भी हंगामा देखने को मिला। सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने रहे। कार्यवाही एक बार के स्थगन के बाद दोपहर 2:15 पर पूरे दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। बजट सत्र के दूसरे चरण के पहले दिन सदन की कार्यवाही आरंभ होने पर दिवंगत पूर्व सदस्य नरेंद्र प्रधान को राज्यसभा में श्रद्धांजलि अर्पित की गई। उसके बाद सभापति जगदीप धनखड़ ने आवश्यक दस्तावेज सदन के पटल पर रखवाए। इसके तुरंत बाद सदन के नेता पीयूष गोयल ने राहुल गांधी का नाम लिए बगैर कहा कि विपक्ष के एक नेता ने विदेशी धरती से शर्मनाक तरीके से भारत के लोकतंत्र के बारे में अनाप शनाप बातें कही हैं। गोयल ने कहा कि इसके लिए विपक्षी नेता को सदन से आकर देश से माफ़ी मांगनी चाहिए। गोयल ने कहा कि लोकतंत्र खतरे में तब था जब प्रधानमंत्री को यह कहने के लिए मजबूर किया जाता था कि मैं भ्रष्टाचार नहीं रोक सकता क्योंकि यह गठबंधन सरकार है। सदन के नेता की इस टिप्पणी पर कांग्रेस सहित कुछ अन्य विपक्षी दलों ने प्रतिकार करते हुए हंगामा किया। विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस बात पर आपत्ति जताई और कहा कि जो नेता राज्यसभा में सदस्य नहीं है उनके बारे में नेता सदन ने यहाँ टीका टिप्पणी की है और उन्हें सदन में बुलाने की बात कर रहे हैं। बड़े शर्मनाक तरीके से एक विपक्षी नेता विदेशी देश में जाकर और भारत के लोकतंत्र पे अनाप शनाप बातें करते हैं। भारत की प्रेस, भारत की जुडिशरी, भारत की मीडिया, भारत के इलेक्शन कमीशन, भारत की सेना, सभी के ऊपर आरोप लगाते हैं और एक प्रकार से जो पूरा विश्व आज भारत की गुणगान कर रहा है, भारत के लोकतंत्र की गुणगान कर, भारत लोकतंत्र की जननी, इट इज द मदर ऑफ ऑल डेमोक्रेसी। मुझे लगता है कि ये विपक्षी दलों ने भारत का अपमान करना तय किया। एक समाज सेवी संस्था को भी उसमें गलत अनाप शनाप बातें कही गई, कहा गया जैसे प्रेस, जुडिशरी, सभी सिक्योरिटी एजेंसी, इलेक्शन कमीशन कोई और कंट्रोल कर रहा है। इस प्रकार के गलत आरोप के लिए विपक्षी नेताओं ने और उन्होंने सदन में आकर देशवासियों से माफी मांगनी चाहिए, देश की माफी मांगनी चाहिए, इस सदन की माफी मांगनी चाहिए, अध्यक्ष की माफी मांगनी चाहिए और लोकतंत्र क्या है वो उन्होंने समझने की आवश्यकता। सर, लोकतंत्र को खतरा तब था जब भारत के फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड किए गए इमरजेंसी में। किसने किया? उन्हीं के पार्टी ने किया। लोकतंत्र खतरे में कब आता? जब प्रेस की आवाज बंद करी जाती है, फ्रीडम ऑफ स्पीच रोकी जाती है। किसने किया? कांग्रेस पार्टी ने किया। लोकतंत्र कब खतरे में होता है? जब प्रधानमंत्री का वजूद वही नेता बाहर आके प्रेस के सामने कागज कानून फाड़ के सड़क पे फेंकते हैं, तब लोकतंत्र खतरे में। जब उनका नेता, उनका प्रधानमंत्री बाधित हो जाते हैं बोलने के लिए कि मैं भ्रष्टाचार रोक नहीं सकता क्योंकि कोएलिशन है, कोएलिशन में मुझे भ्रष्टाचार होने देना पड़ेगा, तब लोकतंत्र खतरे में। जब स्टेट गवर्नमेंट रोज उनकी पार्टी डिसमिस करती है तब लोकतंत्र खतरे में कि राज्य सरकारों को जब चाहे उनकी पार्टी, उनके नेता, उनके प्रधानमंत्री, उनकी सरकार जब डिसमिस करती है 356 में बिना कोई कारण के। लोकतंत्र जब खतरे में है जब देश का विकास नहीं होता है और इनकी पार्टी ने पूरे देश को गरीबी में रहने का मजबूर किया। सर, वो लोकतंत्र बचाने के लिए इनको सबसे पहले सदन में आके इनके नेता को माफी मांगनी पड़ेगी, देश की माफी मांगनी पड़ेगी, देशवासियों की माफी मांगनी पड़ेगी।
सेना की माफी मांगनी पड़ेगी, प्रेस की माफी मांगनी पड़ेगी, जुडिशरी की माफी मांगनी पड़ेगी, इलेक्शन कमीशन की माफी मांगनी पड़ेगी, आपकी माफी मांगनी पड़ेगी और इस पूरे सदन की माफी मांगनी पड़ेगी। लोकसभा में भी हंगामा देखने को मिला। भाजपा सांसद अपने स्थान से ही राहुल गांधी माफी मांगो के नारे लगाते रहे। रक्षा मंत्री एवं सदन के उपनेता राजनाथ सिंह ने कहा कि राहुल गांधी जो इस सदन के सदस्य हैं ने लंदन में जाकर भारत को बदनाम करने की कोशिश की है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने कहा कि भारत में लोकतंत्र पूरी तरह से तहस नहस हो गया है और विदेशी ताकतों को आकर लोकतंत्र को बचाना चाहिए। श्री राहुल गांधी जो इसी सदन के सांसद हैं, राहुल गांधी ने लंदन में जाकर भारत को बदनाम करने की कोशिश की है और कहा है कि भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था पूरी तरह से तहस नहस हो रही है और विदेशी ताकतों को आकर यहाँ पर भारत के लोकतंत्र को बचाना चाहिए। ये भारत की गरिमा पर, भारत की प्रतिष्ठा पर उन्होंने गहरी चोट पहुँचाने की कोशिश की है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे यह मांग करता हूँ कि पूरे सदन के द्वारा उनके इस व्यवहार को कंडम किया जाना चाहिए और उनको ये आपके द्वारा निर्देश दिया जाना चाहिए कि संसद के फोरम पर आकर वह क्षमा याचना करें। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ। सरकार ने सोमवार को लोकसभा में बताया कि प्रवर्तन निदेशालय धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 और विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999 के प्रावधानों के तहत ऐसे कई मामलों की जांच कर रहा है जो क्रिप्टो करेंसी से संबंधित है। लोकसभा में पी वेलुसामी के प्रश्न के लिखित उत्तर में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यह जानकारी दी है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।